उपासना के आश्रय करके मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं जो लोग, ये लोग भी समझते हैं उपासना मतलब उपासना के माध्यम से संसार बंधन से मुक्त हो जाऊंगा ऐसा समझते हैं जो लोग। वह कौन है? धर्म। धर्म मतलब धारणा, धर्म मतलब ये जीव। जीव को यहाँ धर्म शब्द का कहा गया। जो जीव उपासना का आश्रय, उपासना आश्रित धर्म होने के दोनों नाम लेकर तीन बोला है। उपासना को आश्रय किया जो जीव, क्यों आश्रय किया? क्योंकि जो है वह संसार बंधन से मुक्त होने के लिए। परंतु उपासना तो कार्य ब्रह्म के लिए होता है। जाते ब्रह्म निवर्तते, वो जो है कि उत्पत्ति वाला जो ब्रह्म है वहाँ तक उसका सुविधा है ना। तो वो बोलते हैं हाँ हाँ, उत्पत्ति से पहले सब अज था, परंतु उत्पत्ति के बाद फिर अज नहीं जाएगा। यानी कि अब जो है वो टाइम लिमिटेशन है, जन्म की जन्म और अमृत के लिए होगा। इस प्रकार वस्तु को आश्रय करके वो संसार बंधन को प्राप्त करना चाहते हैं। जब तक श्रुति क्या लिखते हैं, दिखाते हैं कि जो वास्तविक तत्व है उसमें किसी भी प्रकार की वस्तु परिच्छन होता, देश परिच्छन होता, काल परिच्छन होता नहीं है। और हमने क्या है, काल परिच्छन वस्तु का आश्रय करके संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। यही हमारी कृपणता है।
कृपण है किस प्रकार से ब्रह्मवेत्ता पुरुष को स्मरण करते हैं उपासना स्थित ये बहुत ही समस्या धर्म शब्द करते जाते ब्रह्मणि पैदा हुआ जो ब्रह्म कार्य ब्रह्म उसमें भी विचरण करते हैं यद्यपि हम भी मानते हैं कि उत्पत्ति से पूर्व सब जन्म रहे थे परंतु उत्पत्ति का बाद सारा जन्म हुआ है ऐसे मानते हैं ऐसे उत्पत्ति बिना शिव वस्तु विकारी होते हैं अल परिच्छिन्न होते हैं वस्तु परिच्छिन्न होते हैं मंदिर परिच्छिन्न का शास्त्र लिखा है इसमें नहीं है परंतु उसको नहीं समझने के कारण ये मान लिया इसीलिए इसको जो ब्रह्मवेत्ता पुरुष इनको कृपण कहते हैं तेन असुर कृपण है स्मृत अब आ जाइए जो पहले आनंद जी इसका अर्थ कैसे करते तो देखते हैं पढ़ लिए थे अमृतम बने द्वैत द्वैतत्व निगमनम परिसमाप्य अद्वैतम आर्थिकम अभी तर्क तो संभावित प्रकरणांतरम प्रारिप्रक्षुभ उपास्य उपासक भेद दृष्टि प्राप्त अवगति तर्क के द्वारा द्वैत के मिथ्यात्व का निरूपण करके उसको समाधान होने के बाद अद्वैत ही आर्थिक आर्थिक अर्थ वो मिथ्या है तो अद्वैत पारमार्थिक सत्य है ये जो सिद्ध हुआ उसको तर्क के द्वारा भी सिद्ध किया जा सकता है इसलिए प्रकरण अंतर को इच्छा शुरू करने की इच्छा से पहले यहाँ पे उपास्य उपासक भेद दृष्टि को उनका निराकरण करते हैं कौन मानदो को कार्य करता है इसलिए बोलते हैं उपासना और एक नंबर टिप्पणी कर लीजिए उपासक वेद से परमात्म उपासक के द्वारा वेद पारमार्थिक है ऐसा मानते हैं जो वेद पारमार्थिक नहीं मानते अवलंबन को लेकर जो मानते हैं उसके लिए हमारा उसका संभाव विरोध नहीं है। नेक्स्ट लाइन की काम है 126 पेज में देह से धारणात् धर्म जीव ठीक है ना शरीर को धारण करने के कारण जीव को यहाँ पे धर्म शब्द के द्वारा कहा गया देह से धारणात् धर्म जीव ठीक है ना ये जीव हो गया तो क्या हो गया कैसे देखना भूत संघात आकार जाति ब्रह्मणी है ना ये कार्यकरण संघात के रूप में समस्त भूत के संघात के रूप में मिला हुआ आप संघात को सम्मिल करके एक तत्व उत्पन्न संघात के रूप में जो यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं जाति ब्रह्मणी है ना वहाँ पे पैदा हुआ जो ब्रह्म तब अभिमानित सत्य है भेद दिखाई पड़ते हैं सत्य एक ब्रह्म सारे रूप में भेद भिन्न भिन्न रूप में दिखाई पड़ते हैं उसमें विद्यमान रहते हैं भूत संघात आकार दोनों पर टिप्पणी देखो धर्म पदस्य यथक्त विद्वत क्या देह धारणा धर्म जीव बोला जीव पर ये जीव है इस विषय में जीव का बोधक में गमकत्व न उसकी बोध कराने के लिए उत्तर वाक्यों व्यचस्ट अगला वाक्य को बोल रहा है जाते ब्रह्म नहीं बढ़ता है ये पैदा होता है इसलिए बोलते हैं कि जो पैदा होने वाला जीव है ये जो पैदा होते वही जीव है इसलिए बोलते हैं कि धर्म पदस्व पहले का धर्म शब्द का तो क्या कर दिया धर्म देहस्व धारणा धर्म तो कौन हो गया जीव धर्म शब्द का अर्थ कर दिया जीव है ना तो जीव कैसे हुआ कार्यकरण संघात का अभिमान करने वाले को जीव कहते हैं इसलिए बोलते हैं भूत संघात आकारे न धर्म पदस्व यथोक्त व्युत्पत्ति जीव परत्ति क्योंकि इस प्रकार की व्युत्पत्ति से धर्म शब्द अर्थ जीव का बोधक है इस विषय में प्रमाण देता है उत्तर वर्तमान व्याख्या को व्याख्या करते हैं भूत संघात आकारे न जाति मतलब भूत देहात्मना देह रूप से अर्थकरण संघात और फिर जाते ब्रह्मणि जाति इति जाते ब्रह्मणे इति उपासक अभिप्राय सही ब्रह्मैव जगदात्मना परिणतम तत् पुनर्ब्रह्म दृष्टा उपास्यमान ब्रह्म संपद्यते इति मन्यते इति भाव टिप्पणी तीन नंबर जाते ब्रह्मणि ठीक है ना इति उपासक अभिप्राय इस प्रकार के उपासक अभिप्राय है कि ब्रह्म सारा रूप में उत्पन्न हुआ उपासक क्या मानते हैं ब्रह्म सारा रूप में सृष्टि हुआ जो होता है जाते ब्रह्मणि उपासक अभिप्राय सही ब्रह्म एव जगतात्मना परिणतम ये देखिए परिणामवादी क्या होता है जगत का अभिन्न निमित्त प्रदान कारण ब्रह्म को ही मानते हैं और ब्रह्म को परिणाम ही मानते हैं कि कोई सारा रूप में परिणाम हुआ और वेदांत क्या मानते हैं ब्रह्म सारा रूप विवर्तित अदत्तीकरण तथा तात्विकरण हम लोग अतात्विकरण था भाव मानते हैं परंतु कोई बात ही है कि तात्विकरण था भाव मानते हैं सारा ब्रह्म ही सारा जगत में परिणाम हुआ ही मानते हैं सही ब्रह्म जगतात्मना परिणतम तब पुनर्ब्रह्म दृष्टि का उपासना इसीलिए ये जगत फिर ब्रह्म दृष्टि से उपासना करने का फलस्वरूप ब्रह्म संपद अथवा ब्रह्म को प्राप्त संपद से प्राप्त कर जाओ ब्रह्म को संपादन किया जाता है इसी मान्यते ऐसे वो लोग मानते हैं ये स्कंद भाव है
ब्रह्मनित्य अभिमानित वर्तते, उसको अभिमान करते तक अभिमानित्य न देह मात्र अहम ब्रह्म अभिमानित्य न शरीर मात्र मैं हूँ, और फिर मैं उपासना करके हमारा जब ब्रह्म को मैं प्राप्त करूँगा, इस समय का ब्रह्म नहीं हूँ, इस प्रकार उसकी मानना करें जो अभिमानित्य न वर्तते स प्राग उत्पत्ति अयम सर्वविधि एवं कालावच्छिन्नम वस्तु मन्यते। वो लोग क्या करते हैं, इस उत्पत्ति से पहले तो सब अजय था, और परमात्मा की उत्पत्ति जन्म होना तो जन्म होने मृत्यु भी होने तो काल के द्वारा अवच्छिन्न हो गया, उसके ऐसा मानना है प्राग उत्पत्ति अयम सर्वविधि एवं कालावच्छिन्नम वस्तु मन्यते। वस्तु जो आत्मवस्तु है तो ब्रह्म वस्तु है, वो काल के द्वारा अवच्छिन्न काल के घेरे में रहता है, इस प्रकार वो लोग मानते हैं। यानी पांच नंबर की उत्पत्ति देखें, अजम ब्रह्म रूप काल अवच्छिन्न, अजम कौन है, ब्रह्म रूप काल के द्वारा अवच्छिन्न अवच्छिन्न ऐसा मानते हैं अजम ब्रह्म मन्यते। स पुनरुपासना मन्यते के बाद कौन कर दिया तो स पुनरुपासना पुरुषत्व साधनत्वेन आश्रित। वो जीव उपासना को पुरुषत्व साधनत्वेन, परम पुरुषत्व के लिए यही उपासना ही साधन है, साधनत्वेन आश्रित उपासना के लिए उपासना से वो जी उपासना है, परम पुरुषत्व के लिए मुक्ति के लिए उपासना को अवलंबन किया साधनत्वेन आश्रित तदेव ब्रह्म प्रतिपद से। इस प्रकार से उस उपासना के माध्यम से मैं ब्रह्म भाव को प्राप्त कर जाऊंगा, मैं ब्रह्म भाव को प्राप्त कर जाऊंगा, तदेव ब्रह्म प्रतिपद से मैं प्राप्त कर जाऊंगा। शरीर कब, शरीर पाकर ऊर्धम और उनकी सिद्धांत कौन से जीवन मुक्ति स्थिति नहीं है, शरीर छूटने के बाद मैं ये जो भेदा मैं अचिंत भेदा भेद भाता है कुछ एक भेदा भेद भाता है, मतलब क्या है कि व्यवहार काल में तो आप भिन्न हैं, मरने के बाद आप अभेद हो जाए, तो ये भी उपासना करके जाते हैं ऐसा तो शरीर पाकर ऊर्धम एवं जत मिथ्या ज्ञानवान, क्योंकि इस प्रकार यथार्थ ज्ञान वाले को लोग नहीं होने के कारण अवतिष्ठा इस प्रकार से आरो इस प्रकार से विद्यमान रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना भी नहीं ते नो, इस कारण से इन लोगों को कृपण है ना, मतलब कि सामर्थ्य रहने पर भी उसको उपयोग नहीं करना, अल्प कह मतलब परिच्छिन्न वाला अल्प वाला हो गया, ब्रह्म विद्वी ब्रह्म वेत्ता पुरुषों के द्वारा स्मृत चिंता किया चिंता होगा चिंतित है ना, इस प्रकार कहा जाता है ठीक है। देखिए स प्रागुत्पत्ति अजम सर्वम इति एवं, वो जो है उपासक प्रागुत्पत्ति ये सारा अज था जन्म नहीं था, एवं काल परिच्छिन्नम वस्तु मान्यते, वस्तु में जन्म है इसलिए काल परिच्छिन्नम वस्तु मान्यते, काल परिच्छिन्न वस्तु मान्यते। स पुनर उपासना पुरुषार्थ साधनत्वेन आश्रित, वो व्यक्ति उपासना को पुरुषार्थ साधन के रूप में आश्रय किया है माना है और उसको आचरण कर तदेव ब्रह्म प्रतिपद से, इस प्रकार उपासना करके मैं उस जन्म में ही ब्रह्म को प्राप्त कर जाऊंगा जो इस समय जन्म लिया हुआ है। शरीर पाकर ऊर्धम कब प्राप्त करूंगा, शरीर छूटने के बाद इति एवं इस प्रकार से, इस प्रकार से जो उन लोगों की भावना है जत मित्त ये जो एवं जत मिथ्या ज्ञानवान, क्योंकि इस प्रकार से यथार्थ ज्ञान वाला नहीं होने के कारण मिथ्या ज्ञानवान अवशिष्ट उस रूप में विद्यमान रहते हैं तीन मसूर विपन्न अवतिष्ट अभिप्राय क्या, वो इससे आगे और उसे नहीं जानते उपासना को अभिषेक नहीं करते, यदि इतना उपासना करके फिर ज्ञान मार्ग में प्रवेश करते हैं इतना करते हैं तो इसी में वो रहना चाहते हैं, इसी जाने को तय आया नहीं श्लोक अविद्या मंत्रे वर्तमान वयम धीर पर्ति तम मन मह तंद्र व्यमान पर्यंति पूरा अंधे नहीं बजे मन जानते इष्टा पूर्ति मन मान वरिष्ठम नान श्रवेदयंत प्रमूढ़ा वो भी जे वहाँ पे मुंडों को प्रसन्न होता वो श्रद्धे जो युग प्रसन्न की कारण है मानव पुष्ट जीवन में आकर के श्रद्धा के साथ जा कर के जन्म में जंगल में उपासना करते हैं, वो लोग भी ब्रह्म लोग भी तभी जा पाते हैं उससे जीवन मुक्ति का आनंद उनको नहीं मिलता है, इसीलिए श्रुति बात तो है ये, इसीलिए यहाँ पे ध्यान देना जो भी लॉजिक देंगे सारा श्रुति को इकट्ठा करके दिखाएंगे कहाँ कहाँ जो है श्रुति देंगी कर्म तो उपासना को अच्छे लोग दिया करेंगे मुक्ति के यथार्थ साधन नहीं है
पहले जो दो प्रकरण में कहा गया उसको अनुद्रवती उसको दोबारा संक्षेप में बोलते हैं। कौन भगवान भाष्य क्या बोलते हैं देखो, ओंकार निर्णय उक्त प्रपंच उपशम शिव अद्वैत आत्मा प्रतिज्ञा मात्रेण। ओंकार की निर्णय किया गया है, ओंकार के स्वरूप का निर्णय किया गया है और उसमें क्या कहा गया है कि प्रपंच शांतम शिवम अद्वैतम है ना, प्रपंच के सारा प्रपंच उस ओंकार के अकार उकार और मकार मात्र में जानते स्वप्न सुषुप्ति लय होकर के केवल मात्र साइलेंट मात्रा वही बार मत लिख सकते हैं। चार बार बोला था तू ये बात या कोई एक मात्र बार मत लिख सकते हैं। प्रपंच उक्त प्रपंच उपशम शिव अद्वैत कोई भेद रही थी आत्मा की प्रतिज्ञा मात्र में उपदेशादय ज्ञाते द्वैतम न विद्यते कहा गया था। अरे आप साथ भेद रहित बोलते आप यहाँ पे गुरु शिष्य पुस्तक मानोगे कि नहीं मानोगे तो भेद नहीं दिखाई देते आपको, ये तो कैसे ज्ञान होगा क्योंकि आप तो बोलते हैं तत्व ज्ञान था गुरु में बोल रही थी। 18 नंबर नहीं है कहीं का, पहले का 18 नंबर आगम प्रकरण का 18 नंबर विकल्प विनिवर्ते कल्पित यदि के नचे उपदेशादय अंबाद ज्ञाते वेतन स्पेस 63 अच्छा पेज 63 में लिखिए तो ये ज्ञाते वेतन जब वहाँ पे संकेत किसके उत्तर में दिया था कि वहाँ पर शंका उठाए प्रपंच उसका पहले उसका पहले कहता था प्रपंच यदि विद्यत निवर्ते न संशय माया मात्र द्वैतम अद्वैतम परमार्थ। अरे तुम इतना हल्ला करते हो अद्वैत अद्वैत बोलते तुम्हारे गुरु शिष्य उपदेश किसको देते हो तुम इसको बोलते विकल्प विनिवर्ते कल्पित लेना लेना चाहिए उपदेश अयम मान उपदेश करने के लिए हम भी मेरा को मान रहे समझ में आ जाता है तो मान्यता देकर बोलते हैं ज्ञाते द्वैतम नाम विद्यते तत्व इस प्रकार से वहाँ पे हमने खत्म कर दिया। अच्छा भाई यहाँ पे टीका काट देखिए ठीक है भाष्य पढ़ लेते हैं भाष्य जी पहले सामने को भी टीका में द्वैत अभावस्तु द्वैतत्व प्रकरण स्वप्न माया गंधर्व नगरादि दृष्टान्त ही दृश्यत्वादि अंतरत्वादि हेतु ही तर्के न च प्रतिपादित ठीक है ना। पहले तो आगम प्रकरण में क्या कहा वो लिखा अद्वैत द्वैतत्व प्रकरण में क्या कहा द्वैत अभावस्तु और एक यहाँ पे एवं का अर्थ बनाया हुआ और द्वैत की जो अभाव है द्वैतत्व प्रकरण द्वैतत्व प्रकरण के माध्यम से वहाँ पे क्या दृष्टांत दिया था स्वप्न माया गंधर्व नगर दृष्टांत स्वाप्निक वस्तु मायिक वस्तु तो गंधर्व नगर का बिंदु तो सामने दिखाई देता गंधर्व नगर दृष्टि और हेतु क्या क्या था दृश्यत्वाद अंतवत्वाद जड़त्वाद क्या हेतु दिए थे दृश्यत्वादि अंतवत्वादि हेतु भी उस प्रतिज्ञा को पुष्टि करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है हेतु दृष्टांत देना पड़ता है। द्वैत प्रकरण में आपको उसी प्रतिज्ञा को पुष्ट करने के लिए हेतु व दृष्टांत दिया इसलिए यहाँ पे देखो दृष्टांत उठा करके दे दिया स्वप्न माया गंधर्व नगर दृष्टांत और हेतु क्या दिया था दृश्यत्वाद अंतवत्वाद जड़त्वाद परिचय हेतु दिया था हेतु भी तर्क न से प्रतिपादित आप क्या बोलते हैं अद्वैत के आगम मात्र न प्रतिपादित करते हाँ दृष्टि तर्क
इस अद्वैत तत्व केवल मतलब स्मृति के आधार पर ही समझा जा सकता है अथवा युक्ति के द्वारा भी समझा जा सकता है ना, आवश्यक तो युक्ति के द्वारा। अद्वैतम किम आगम मात्र न प्रतिपत्त, अद्वैत मतलब पारमार्थिक अद्वैती पारमार्थिक सत्य केवल श्रुति वाक्य के आधार पर समझता है अथवा युक्ति के द्वारा भी हम समझ सकते हैं इसको, वो तो युक्ति के द्वारा भी समझ सकते हैं। तो वो प्रतिपत्त आवश्यक तर्क न विदित आह तर्के शक्यते तर्के न ज्ञातु, यानी आप इसको युक्ति के द्वारा भी समझ सकते हैं। आप अपना गुरु जी का श्रुति का विरोध के बोल रहे हो, यदि अद्वैत प्रकरण आरभ्य है, कैसे हम तर्कों के द्वारा भी अद्वैत की पारमार्थिक सत्य होना संभव है इसको हम युक्ति के द्वारा भी समझ सकते हैं। ठीक है, तत्कथम अद्वैत युक्ति के द्वारा कैसे समझा जा सकता है, तो इसी को समझाने के लिए तीसरा प्रकरण को शुरू करते हैं। तृतीय प्रकरण आरभ्य है, तृतीय प्रकरण को शुरू करते हैं। देखिए कितना सुंदर पूर्वा पर ग्रंथ की एक धागा में कैसे पहुँच गया, प्रत्येक प्रकरण के साथ प्रत्येक प्रकरण के संबंध को स्पष्ट करके समझाने के लिए। अब फिर आगे बोलते हैं उपास्य उपासनादि भेद जातम सर्वं विदितम केवलस्य आत्मा अद्वय परमार्थते इति स्थितम अतिते प्रकरणे जत अतिते इति जत को अपाय यस्मा, क्योंकि उपास्य उपासनादि भेद जातम है ना, उपास्य देवता उपासक मैं उपासना के माध्यम से उपास्य देवता को प्राप्त करूंगा, अभी मैं नहीं मुझसे भिन्न हूँ, इस प्रकार जो भेद समूह मतलब भिन्नता के भेद मतलब यहाँ पे विशेषता और उसका जो समूह हमने अपने सर्वमित्वता हम इसमें कोई पारमार्थिकता नहीं है, सारा मिथ्या है, केवल आत्मा अद्य शुद्ध भेद रहित आत्मा वही पारमार्थिक परमार्थ वही पारमार्थिक शस्त्र वस्तु स्थितम ये निश्चय किया गया है। कहाँ अतिथे प्रकरण, क्योंकि अतीत प्रकरण में इसको निश्चय किया गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अद्वंत का क्या होता है, देखिए भूप्री समय उपासना श्रित ये मूल जो शब्द है, उपासना श्रित मूल में आया हुआ उसका अर्थ करता है उपासना आत्मन मोक्ष साधन तेन गत उपासक। ठीक है ना, उपासना को अपने लिए मुक्ति का साधन है इस प्रकार से मान्यता दिया जिस व्यक्ति ने उपासना श्रित शब्द का अर्थ कर दिया उपासना आत्मन मोक्ष साधन तेन गत, उपासना को अपने मुक्ति के लिए साधन मान करके जो व्यक्ति उपासक बैठा हो प्राप्त किया उपासक अहम को मैं मम उपास्य ब्रह्म, मेरा उपास्य कौन है ब्रह्म है, वो कौन सा ब्रह्म होगा कार्य ब्रह्म, कार्य बाधरे यदि गति आगति कार्य ब्रह्म यदि होना है आएगा अभी आपत्ति चतुर्थ फल प्राप्त करने के लिए। तब उपासना कृत्वा जाते ब्रह्मणे इदानीं वर्तमान अजम ब्रह्म शरीर पाता ऊर्धम प्रतिपत्ति प्राग उत्पत्तेश्च अजम इदम सर्वम अहम च, तब उपासना कृत्वा उस ब्रह्म की उपासना करके जाते ब्रह्मणे जो ब्रह्म जाते ब्रह्म मूल का पद है, ठीक है ना, मूल का पद है जाते ब्रह्मणे, तो बोलते हैं इदानीं वर्तमान, वर्तमान में इस समय दिखाई दे रहा है अजम ब्रह्म ये जन्म रहित ब्रह्म जहाँ पे जन्म लेकर के दिखाई शरीर पाता ऊर्धम शरीर पास के बाद में प्रतिपक्ष में ब्रह्म को प्राप्त करूंगा, प्रागुत प्रागुत्पत्ति उत्पत्ति से पहले अजम इदम सर्व में सारा जो है अजय था, अभी क्या है पारमार्थिक परिणत हुआ पारमार्थिक जन्म हुआ, अभिदान क्या बोलते प्राकृतिक जन्म है पारमार्थिक नहीं, इसलिए होते प्राग उत्पत्ति अजम इदम सर्वम ये सारा वस्तु उत्पत्ति से पहले जन्म रहित था, नहीं भी जन्म रहित था पर आज जन्म लिया हूँ मैं, फिर क्या करोगे अब जन्म तो लिया फिर ब्रह्म को उपासना करके वो जन्म रहित ब्रह्म को प्राप्त कर जाऊंगा, भेद और अभेद दोनों को पारमार्थिक मानते हैं, व्यवहार काल में जन्म भेद पारमार्थिक है और मृत्यु के बाद उपासना करके मैं उस अभेद भाग को प्राप्त करूँगा ऐसा ब्रह्मसूत्र प्रथमाध्याय चतुर्थ बात में। अब देखना जो प्रतीक का दृष्टांत अनुभव था वहाँ पर जो मैत्री ब्रह्म की बात को लेकर आया हुआ है उसमें ओडुलमी आचार्य और आपका काशी कृष्ण आचार्य
और एक दिन उसका प्रभु, इन दोनों का एक जो है समकालिक भेदाभेद वाली, एक हो गया आपका भिन्न काल में भेदाभेद पर और एक हो गया अभेद पर, समकालिक अभेद पर समकालिक अभेद पर मान्यता आया काश कृष्ण पर अस्मरथ थी अस्मरथ अस्मरथ तीन अध्याय को अलग अलग मंत्रवर्त मानते थे। तो यहाँ पे जो है इसमें से क्या ये सोचा अहम च कि उक्ता उपासना विद्वा जाते ब्रह्मणि विधाने वर्तमान उपासना करके जाते ब्रह्मणि इसका अर्थ करते हैं वर्तमान के प्रति इस समय वर्तमान में दिखाई दे रहा है कौन अजम ब्रह्म। उस अजम ब्रह्म को शरीर पाता रूठम शरीर पात के बाद प्रतिपद से मैं प्राप्त कर जाऊँगा। प्राग उत्पत्ति से पहले सब जन्म रहित था इदम सर्वम अहम च मैं भी जन्म जन्म उत्पत्ति के बाद मेरा जन्म हुआ और फिर मैं उपासना करके दोनों को प्राप्त करूंगा। सारा जगत दिखाई पड़ रहा है और मैं भी यदात्मक अहम प्रागुत्पत्ति इदानीं जातो जाते ब्रह्मणि च वर्तमान उपासनाया पुनः तदेव प्रतिपत्से इति एव उपासना स्थितो धर्म साधको येन एवं क्षुद्र ब्रह्मविद् तेन असौ कारणेन कृपणो दीनो अल्पकः स्मृत नित्य अज ब्रह्म दर्शिते इति अभिप्रायः। देखिए हम क्या बोलते हैं यदात्मक अहम जिस स्वरूप का मैं हूँ प्राग उत्पत्ति मैं उत्पत्ति से पहले इदानी जा तो मैं अज स्वरूप वाला हूँ इस समय जन्म हुआ हूँ जाते और जाते ब्रह्म वर्तमान इस प्रकार कि पैदा हुआ जो ब्रह्म उस ब्रह्म के साथ यही विद्यमान रहते हुए उपासना के द्वारा पुनः दोबारा तदेव प्रतिपक्ष उसी को मैं प्राप्त करें सिद्धांत जो कुछ देखते कार्य अपने कारण में प्राप्त करते हैं। मैं ब्रह्म से जिस प्रकार परिणाम बाद में जिस प्रकार मृतिका से घर उत्पन्न होता है घर न सुनने पर मृतिका में लय प्राप्त करते हैं इसी प्रकार मैं उपासक कार्य ब्रह्म से उत्पन्न हुआ हूँ कार्य नाम बोल रहे उसके तो ब्रह्म से उत्पन्न हुआ हूँ और उपासना के द्वारा पिता ब्रह्म को प्राप्त करता हूँ तक बिंदु के बाद इस समय तो मैं भिन्न हूँ जन्म लेने के कारण मैं भिन्न हो गया हूँ इस सिद्धांत प्राग उत्पत्ति जाते ब्रह्म पैदा हुआ जो ब्रह्म उसके विद्यमान उपासनाया उपासना के द्वारा पुनः दोबारा तदेव प्रतिपक्ष उसी ब्रह्म को मैं प्राप्त करूंगा यदि एवं इस भावना को मन में रख करके उपासना स्थित धर्म इस उपासना को आश्रय करके मैं मुक्त हो जाऊंगा। उपासना स्थित धर्म का विशेषण है जीव जो ऐसा सोचता है कि मैं उपासना के माध्यम से मुक्त हो जाऊंगा उपासना को आश्रय करके इस प्रकार के जीव है जो धर्म का अर्थ क्या किया साधक धर्म का अर्थ क्या कर दिया साधक है इस प्रकार साधना करें ये न एवं जिस कारण से ही इस प्रकार से क्षुद्र ब्रह्मविद को जो है पूर्ण ब्रह्मविद नहीं है परिच्छिन्न ब्रह्म परिच्छिन्न दोनों प्रतिपन्न में काल परिच्छिन्न उत्पत्ति नाश वाला ब्रह्म को माना ना इसलिए क्षुद्र ब्रह्मविद तेन अशोक तेन शब्द का अर्थ करते हैं कारण अशो साधक तेन कारण इसी कारण से कृपण मतलब दीन बेचारे गरीब है अमीर होते हुए भी अपने को मान्यता दिया कि मेरे पास धन नहीं है तो गरीब इसीलिए होते हैं दीन अल्पकः मतलब अल्प वाला परिच्छिन्न वाला होते हैं स्मृत स्मरण किया जाता है इन लोगों के द्वारा नित्य अज ब्रह्म दर्शिवे जो मैं नित्य जन्म रहित ब्रह्म तत्व इस प्रकार समझ जाए उन लोगों के द्वारा इसको कृपण समझा जाता है इस प्रकार सामान्य देखिए कोई व्यक्ति भगवान की उपासना करते हैं और खुश रहता है उसके सामने कोई गृहस्थ आके बोलते हैं ये दुखी है वो दुखी है वो क्या सोचता है देखो थोड़ा सा भगवान के नाम लेने से इसका दुख मिट सकता है तो बोलो वो नहीं करेगा कि बोलेगा कि कुछ है तो क्या बोलते तो कृपण है भगवान ने नाम शरीर दिया मनुष्य शरीर दिया भगवान के नाम करने के लिए वो जगत के नाम करने लगते हैं तो दुख होता है इसलिए उसको कृपण समझा जाए
तो साधक अजेन एवं क्षुद्र ब्रह्मविद, क्योंकि ये जो है अल्प परिचय में ब्रह्मविद, तेन इस कारण से तेन कारण असो साधक कृपण दीन अल्पक स्मित, वो कृपण है, वो दीन है, वो अल्प परिचिन्न है, आपने को माना इस प्रकार स्मरण किया करते हैं कौन लोग, नित्य अज ब्रह्म दर्शु है ना, नित्य जन्म रहित व्यापक तत्व को देखने वाले व्यक्तियों के द्वारा मतलब महात्माओं के द्वारा इसी अभिप्राय, इसके अभिप्राय है। एक प्रथम एक बोलने के बाद अथवा बोलते हैं यद वाचा अनुपदितं तेन वाव अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नैतं यद्यो उपासना इत्यादि श्रुति तल प्रश्न क्यों बोलते हैं। आप बोला कि हमने कुछ भी स्टेटमेंट देंगे, हम उसके पीछे क्या ला के दिखाएंगे आपको, तो मैं आपके से नहीं बोलना, श्रुति ने ऐसा कहती है। क्या श्रुति कहती है वहाँ पे, यद वाचा अनुपदितं तेन वाव अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नैतं यद्यो उपासना, ये जो तुम इदम करके उपासना करते हो ना, ये ब्रह्म नहीं है, इसीलिए ये यथार्थ ब्रह्म नहीं है, ये कार्य ब्रह्म है। जब को कार्य यथार्थ ब्रह्म कौन है, जब वाचा अनुभूतित जिसको वाणी कोई क्रिया जिस मन वाची के वाणी क्या हो जाएगा, समस्त ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय को उपलक्षण है वहाँ पे, तो और सब लोगों को सारा ले लेना वहाँ पे, जब प्राणी न प्राणी दीजिए न प्राण प्रणीयते तदेवतम तदेव ब्रह्मतम विद्धि नैतम जदिदम उपासते जब सत्व न सुन दीजिए न सत्यम सुतम तदेव विषम, चार पाँच मंत्र लगातार हाँ वहाँ पे यही चीज को सारा को देना है, मतलब क्या देगा, ये आपका मन का विषय नहीं है, वाणी का विषय नहीं है, इंद्रिय का विषय नहीं है, इसलिए तुम जो इदम करके इसको उपासना कर रहे हो ये पारमार्थिक ब्रह्म नहीं है, ये कार्य ब्रह्म है, ऐसा श्रुति देखा है। आप उसको कृपण क्यों समझ रहे हो, इसलिए क्योंकि इस प्रकार की क्रिया को श्रुति ने अभ्यास स्वयं अपने आप कृपण कर, इसलिए केनो उपनिषद 1, 4, 5, 6, 7 जो वाणी के द्वारा इसको अब प्रकाशित नहीं किया जाता, यद वाचा जो वाणी के द्वारा प्रकाशित नहीं होता, परंतु ये नवाभ्युद्यते जो रहने के कारण वाणी अपने अभिष्ट वक्तव्य वस्तु को कह पाता है, वाणी जिसको बोल नहीं सकती परंतु जो रहने के कारण वाणी अपने वक्तव्य वस्तु कह पाता है वो ब्रह्म है, ये जो ब्रह्म करके तुम उपासना कर रहे हो ना, ये ब्रह्म नहीं है, तो इसलिए तदेव ये नवाग तदेव ब्रह्मतम भी उसी को तुम ब्रह्म करके समझना, नहीं तम जदिदम उपासना यही चीज करके जिसको उपासना कर रहे ना, ये जो है पर ब्रह्म नहीं है अपर ब्रह्म है, तो पर ब्रह्म नहीं है अपर ब्रह्म है, इतना कथन करने के लिए ये पहला दो खंडों कथन करने के बाद ना, तब भाष्य जब तृतीय खंड में जहाँ पे देव ब्रह्म देव जी के ब्रह्मण विजय देव अमोहित तृतीय खंड ऐसा करके शुरू होता है, देवता देवता सुख संग्राम को लेकर के वहाँ पे शुरू करते हैं, और भगवान भाष्य उसको कथन में लिखते हैं, श्रुति की इस कथन से लोगों को लग सकता है कि उपासना की कोई उपयोगिता नहीं है, तो श्रुति अपने आप उसको निराकरण करने के लिए ये बात ला रही है, पारमार्थिक वस्तु क्या है दिखाया, और पारमार्थिक वस्तु यदि समझ में नहीं आता तो कम समझ के काम, एकमात्र अवतरण बात बोलते हैं जिस भगवान अवतरण लेते हैं इसके लिए एकमात्र श्रुति प्रमाण है हमारे केनो उपनिषद, और क्यों धर्म के संकट के समय देवताओं के अंदर भी जब घमंड होता है तब भगवान स्वयं अपने आप आकर के वही घमंड को मिटा देते, वही तो देखा केनो उपनिषद में जीवन मुक्ति का आनंद ले सकते थे, कहां ब्रह्म लोग के पास जाके लंबा समय तक बैठना पड़ेगा, ये तो वही कृपा है, जब तक आपकी मान्यता नहीं है तब तक आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे, यदि आप आपने मान्यता दे दिया कि ना ईश्वर ठीक है, अपना कार्य ब्रह्म ठीक है, तब वहीं तक जाएंगे,
जब निर्गुण निराकार निर्विशेष की मान्यता देते हैं उसको आप उसके प्रति आपका निष्ठा है तो आप उसको भी प्राप्त करेंगे। क्यों? यथा प्रभु नहीं है। जैसा जानेंगे जैसा समझेंगे जैसा संकल्प करेंगे आप ऐसा प्राप्त करेंगे। इसीलिए हम बोलते हैं इसको जो है ब्रह्म वेत्ता। देखो सामान्य लोग उसको व्यापार नहीं बोलेंगे, सामान्य दृष्टि से नहीं बोला जाएगा, शास्त्रीय दृष्टि से ब्रह्मवेत्ता पुरुष इन लोगों को कृपण करके समझने होंगे। इस प्रकार जो महात्मा कष्ट आनंद से बैठा हुआ है वो लोग को दुख देख के क्या समझता, देखो क्या विषय शक्ति होकर के दुख भोगता है, मन से थोड़ा सा विषय शक्ति जुड़ जाता तो आनंद से जी सकता है, उस कृपा नहीं सोचती। इतना ही मात्र यहाँ पे आप ठीक हमें आ गए। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिए थे। प्रकरणांतरम अवतारयन वित्तम अनुमति, प्रकरणांतर को अवतरित करते हुए उस वित्त को पहले कथन करके उसका फल भगवान विष्णु अनुभवती ओंकार निर्णय उक्त प्रपंच को समस्या को अद्वैत आत्मा की प्रतिक्रमा से न। अच्छा, फिर आगे बोल रहे हैं तस् ही निर्णय प्रथमे प्रकरणे प्रपंचोपशम शिवद्वैत विशेषणे आत्मा प्रतिज्ञा मात्रेण अद्वितीय व्याख्याते इति अर्थ। उस भाष्य का एक पंक्ति को ठीक है तस्य तस्मत् चयन में ओंकारस्य तस्य ओंकारस्य मतलब ओंकार की स्वरूप को निर्णय करने के प्रसंग में तस्य ही निर्णय मतलब ओंकार की स्वरूप को निर्णय करने के प्रसंग में कहाँ पे किया गया था, प्रथम प्रकरण है मतलब आगम प्रकरण है। वहाँ पे क्या कहा गया था, प्रपंच उपशमम शांतम शिवम अद्वैतम अव्यवहार्यम अद्वैतम को करते शब्द निषेध कर दिया था। प्रपंच उपशम शिव अद्वैत विशेषण ही इस प्रकार विशेषणों के द्वारा आत्मा भेद से रहित है ना, प्रतिज्ञा मात्र आत्मा प्रति आपने प्रतिज्ञा किया गया आत्मा भेद रहित। क्यों? वहाँ पे सारा प्रपंच लय प्राप्त कर जाता है। क्या कहा उसमें आप युक्ति देखते हैं आत्मा भेद से रहित है किंतु प्रपंच इसमें लय प्राप्त कर जाता है, यह अभिप्राय है। इसे प्रतिज्ञा मात्र न अद्वितीय आत्मा भेद रहित है व्याख्यान ऐसा व्याख्यान करके दिखाया इसका भी करते ये हो गया आपका ये ओंकार निर्णय उक्त प्रपंच उपशम शिव अद्वैत आत्मा इति प्रतिज्ञा मात्र न। अब द्वितीय प्रकरण क्या था, वैदत्त प्रकरण। वहाँ पे क्या बोले थे अपने युक्ति के द्वारा इसलिए बोलते हैं द्वितीय प्रकरणार्थ संक्षिप्त अनुमति। द्वितीय प्रकरण में जो कहा गया है उसके संक्षिप्त में दोबारा बोलते हैं, संक्षिप्त उसको संक्षिप्त करके दोबारा बोलते हैं द्वितीय प्रकरणार्थ। द्वितीय प्रकरण का जो विषय है उसको संक्षिप्त उसको संग्रह करके अनुमति दोबारा बोलते हैं। ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, यदि अज्ञान के बाद देखिए अज्ञान अवस्था में द्वैत दिखाई देगा, ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, ज्ञान होने पर द्वैत प्रपंच नहीं दिखाई देगा। ज्ञाते द्वैतम न विद्यते इति चतुर्थो विद्धि के प्रकरण में कहा गया द्वैत अभावस्तु द्वैतत्व प्रकरणे न स्वप्न माया गंधर्व नगर आदि दृष्टान्ते। पहले जिसको आपने प्रतिज्ञा किया उसको हेतु और दृष्टान्त के द्वारा पुष्ट किया था, द्वितीय प्रकरण में आकर बड़ी युक्ति हो गया। प्रतिज्ञा किया था जगत मिथ्या है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दृश्यत्व जड़त्व परिच्छिन्नत्व धर्म बैठा हुआ, जैसे हमारे स्वप्न माया गंधर्व नगर आदि दृष्टान्त दिया था, युक्ति के द्वारा समझे। इसलिए आप बोलते हैं कि ज्ञाते द्वैतम न विद्यते इति चतुर्थ द्वैत अभावस्तु द्वैतत्व प्रकरणेन स्वप्नमय गंधर्व नगर आदि दृष्टान्ते दृश्यत्वादि अंतवत्तादि हेतुभि तर्केन च प्रतिपादित। मतलब मिथ्या को आगम के द्वारा दिखा करके तर्क के द्वारा भी तर्केन च प्रतिपादित प्रतिपादन करके दिखाया, ये जगह का शब्द है तर्क के द्वारा भी। टीका में फिर आगे तत्र एव आत्म प्रकरणे ज्ञाते द्वैतम न विद्यते इति अत्र प्रतिज्ञा मात्रेण द्वैत अभावो। पहला प्रकरण में पहला प्रकरण में विकल्प यदि विकल्प यदि विद्यते तो विवर्तित न संशय उपदेशात् अयम् ज्ञाते द्वैतम न विद्यते इति उक्त प्रतिज्ञा मात्र तत्र एव आत्म प्रकरणे इसी को जो आत्म प्रकरण में ज्ञाते द्वैतम न विद्यते ज्ञान लेने पर द्वैत प्रपंच की अधिष्ठान तत्व के जानने के बाद आपको उपन्न प्रतिदिन होकर नहीं दिख सकते। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिष्ठान तत्व के ज्ञान होने के बाद हमें क्या होगा कि ये जो भेद प्रपंच दिखाई पड़ता भेद नहीं दिखाई देगा, सभी में एक भेद रहेगा और उसके अंदर एक अभिभक्त और विभक्त देश उस तत्व के जब पश्चिम से अपश्चिम आया था कल बोला गया लास्ट में क्या अभिषेक किया भगवान पास कल देखो ना यहाँ पे सर्व समस्या कैसे होते अभिभक्त विभक्त से ये हमारे पारमार्थिक दृष्टि
ज्ञाते द्वैतम न विद्यते इति प्रतिज्ञा मात्र में द्वैत अभावोक्त सद्वैत प्रतिज्ञा मात्र में द्वैत अभाव पाठक सब से क्या लेंगे सद द्वितीय द्वैत अभाव सद्वैत अभाव से क्या लेंगे द्वैत अभाव सद्वैत अभाव तो द्वितीय प्रकारेण हेतु दृष्टान्तात्मक तर्केण च प्रतिपादित उसी जो द्वैत के अभाव है दृष्टान्त और हेतु के माध्यम से तर्क के द्वारा भी सिद्ध करके दिखाया गया सद्वैत अभाव द्वितीय तु मतलब द्वितीय प्रकरण वैतथ्य प्रकरण के द्वारा हेतु दृष्टान्त आत्मा के नहां पे हेतु और दृष्टान्त को स्पष्ट करके कहा गया तर्क उसी को तर्क के द्वारा भी प्रतिपादित प्रतिपादन करके दिखाया न अत्र प्रतिपादित तर्क अवशिष्टम अस्ति जब आपने दिखा दिया फिर आपको पहनने के लिए बचा ही क्या है आगे क्यों ग्रंथ यहाँ पे ग्रंथ समाप्त होना चाहिए तो तब ऐसे लगेगा कि अद्वैत को भी हम युक्ति के द्वारा समझ सकते हैं अथवा अद्वैत भी जब सभी मिथ्या तो अद्वैत भी मिथ्या होगा अद्वैत मिथ्या नहीं है इसलिए और इसको युक्ति के द्वारा समझ सकते हैं इसलिए कृष्ण को पूछ न अत्र प्रतिपादयितव्यम् अवशिष्टम् अस्ति तो आपको प्रतिपादन करने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं प्रतिपादन जो करना तो कर दिया तो आगे के ग्रंथ क्यों सुनते हैं अस्ति इति अर्थ है इसका विपरीत अर्थ है तब बोलते हैं तृतीय प्रकरण आकांक्षा पूर्वक अवतारयति तो तृतीय प्रकरण में क्या कहना चाहते हैं उसको दिखा करके उसका अवतरण देते हैं तृतीय प्रकरण को आकांक्षा पूर्वक मतलब इसके अंदर क्यों इसको शुरू किया जा रहा है जब आपको कहने के लिए बचा ही नहीं इसको क्यों शुरू करते हो इस प्रकार आकांक्षा पूर्वक उसका अवतरण देते हैं क्या बोलते हैं अद्वैतम की भाष्य में अद्वैतम की आगम मात्र प्रतिपत्तव्य आहुषि तर्क नक्कते तर्क ना तो क्या अद्वैत केवल श्रुति ने बोला इतना ही मात्र है अथवा युक्ति के द्वारा भी समझ सकते हैं बुद्धिमान व्यक्ति को कोई भक्ति का कहें नहीं वो अपने हाँ ठीक है मतलब फिर विचार करके ठीक है तो दूसरे में कैसे समझो मैं तो मान नहीं करते तब क्या करते ठीक है इसके पीछे ये शास्त्रीय युक्ति को भी दे सकते हैं अद्वैत किम आगम मात्र प्रतिपत्तव्य के नाम उसको तर्क के द्वारा भी अद्वैत को समझा जा सकता है ऐसा प्रश्न होने पर उसको उत्तर में कहते हैं सकते तर्क न अभी ज्ञात हो हाँ युक्ति के द्वारा भी आप अद्वैत पारमार्थिक का सवाल समझ सकते हैं मतलब कौन सा युक्ति श्रुति अनुकूलित श्रुति का अनुसार युक्ति आनंदगिरि जी बोल रहे हैं नैश तर्क न मतिरापने कठोपनिषद 1:2-9 नैश तर्क न मतिरापने श्रुति मतलब इस तर्क बुद्धि के द्वारा आत्मदय क्योंकि इस प्रकार शुद्ध अद्वैत बोध को प्राप्त नहीं कर सका अथवा इसको होम अद्वैचिकता तर्कों के द्वारा इसमें स्मृति थी श्रुति इस प्रकार श्रुति का आधार पर कठोपनिषद 1:9 अद्वैत प्रथम तर्क न ज्ञान तो अद्वैत को हम कैसे तर्क के द्वारा ज्ञान जान सकते हैं श्रुति तो निषेध करती है ज्ञात शब्दों की आक्षेप आक्षेप करते हैं तत्कथम भाष्य में तत्कथम कैसे तर्क अद्वैत को तर्क के द्वारा समझा जा सकता है श्रुति निषेध करते हैं अद्वैत प्रकरण स्वतंत्र तर्क अप्रवेश तस्मिन् आगमिक तर्कस्य सहकारितया संभावना हेतुत्वा ठीक है ना देखो स्वतंत्र तर्क का वेदांत में प्रवेश नहीं होने पर भी तस्मिन् अद्वैते आगमिक तर्कस्य स्तुति ने जैसा तर्क को दिखाया आगम समूह तर्क का सहकारिता हेल्पिंग फैक्टर तर्क मुख्य नहीं है तर्क प्रतिष्ठान तर्क प्रमाण नहीं है तर्क केवल आपके सिद्धांत को मदद करता है तर्क कभी कोई व्यक्ति प्रमाण नहीं माना प्रमाण तो शास्त्र है शास्त्र प्रमाण को पुष्ट करने के लिए तर्क उसका सहकारी इसलिए बोलते हैं सहकारितया असंभव सहकारितया संभव माना हेतुता मतलब युक्ति के द्वारा तो उसको समझा जा सकता है इस कारण से तर्केन अभिज्ञात शकम तर्क के द्वारा भी अद्वैत को समझ सकते यदि व्यवहार उपपत्ति इस प्रकार मतलब व्यवहार शब्द के द्वारा एवं बुद्ध शब्द प्रयोग इस प्रकार शब्द प्रयोग युक्ति संगत हो जाते हैं व्यवहार उपपत्ति को दो नंबर टिप्पणी है ना मतलब एवं बुद्ध शब्द प्रयोग इस प्रकार के शब्द प्रयोग संभव हो जाते हैं तर्क के द्वारा भी जान सकते हैं इस मामले में 7 नंबर 8 नंबर ठीक है ना स्वतंत्र तर्क अप्रवेश अभी 7 नंबर स्वतंत्र मतलब आगम अनुरोधी यदि करते आगम अनुरोधी नहीं आगम को अनुसरण करते हैं आगम अनुसरण के बिना अपने युक्ति के लिए लगाते हैं वो तर्क के यहाँ पे प्रवेश नहीं कर पाए और 8 नंबर क्या होता है आगमिक तर्क मतलब आगम अनुकूल श्रुति वाक्य के अनु श्रुति वाक्य को समझने के लिए युक्ति हो जाइए वो युक्ति के द्वारा इसको समझा जा सकता है वो क्या करते हैं तर्क कोई प्रमाण नहीं है हमेशा ध्यान रखना
कभी भी किसी को वस्तु को प्रमाण करने के लिए तर्क आप नहीं समझने के तर्क के द्वारा मैं उसको प्रमाण कर दूंगा, तर्क भी प्रमाण नहीं होता, तर्क प्रमाण को पुष्ट करता है, तर्क स्वतंत्र के प्रमाण नहीं हो सकता। ब्रह्मसूत्र स्पष्ट करके तर्क प्रतिष्ठान तर्कों के प्रति मतलब प्रमाणित नहीं है। और आज हमने तर्क के द्वारा जो चीज सिद्ध किया हमसे बुद्धिमान व्यक्ति का है हमको उसको खंडन करके नया चीज सिद्ध कर देता। इसीलिए हम जो कहेंगे क्या ये परमार्थी के कहीं नहीं कहते, जो क्या श्रुति वाक्य के आधार पर कहते हैं तो वो कभी प्रमाण के आधार पर कहते तो खंडन नहीं होता। इसलिए बोलते हैं स्वतंत्र तर्क प्रमाण का श्रुति वाक्य वो स्वयं प्रमाण है। इसके ऊपर तो भी प्रमाण कहते आस्तिक दर्शन जितना हमारे है जो श्रुति को प्रमाण माना है उसको प्रमाण करने के लिए किसी प्रमाण का आवश्यकता ही नहीं होती। अब यदि अन्य प्रमाण के साथ इसका विरोध होता है फिर भी श्रुति प्रमाण बलवान है, श्रुति प्रमाण बलवान है, हाँ उसको समझने के लिए हम कुछ जो है अनुकूल तर्क को हम लगा सकते हैं। श्रुति वाक्य कैसे ठीक हो सकता है उसी के इस प्रकरण में दिखाएंगे, केवल इस प्रकरण में उसको समझना। स्वतंत्र तर्क प्रवेश आगमिक तर्क से सहकारिता संभावना हेतु तर्के नर्कम तर्क इसको समझ सकते हैं यदि व्यवहार इस प्रकार शब्द प्रयोग युक्ति संगत हो जाता है। मतलब तर्क यदि मतदा इस प्रमाण में रखते बोलते हैं अद्वैत प्रकरण आरभ्यते, अद्वैत प्रकरण आरभ्यते, अद्वैत प्रकरण को शुरू किया जाता है। ये प्रतीक इस पन्ने में है ना, इस पन्ने में रख सकते हैं यदि तर्केन अद्वैतम संभावयितुं प्रकरणम आरभ्यते तर्हि किमिति उपासक निंदा प्रथमा प्रस्तुयते तत्र। आपको प्रतिज्ञा क्या किया अद्वैत तत्व को युक्ति की पूर्वक समझाएंगे, आप दूसरे का निंदा क्यों करने लगे, उपासक का निंदा क्यों करने लगे, आपको आपको तो आप इसका निंदा करूंगा ये तो आपने आप केवल इतना ही कहा कि आप प्रतिज्ञा किया आपने अद्वैत को युक्ति के द्वारा समझा जा सकता है उसको समझाओ ना समझा जा सकता है। इसलिए प्रकरण को शुरू करना चाहते हो तो ये तुम्हारी प्रतिज्ञा है तो ही किमित उपासक का निंदा प्रसंग प्रस्तुत तुम सबसे पहले उपासक का निंदा क्यों शुरू कर दिया तुमने तब आप इसको कहते हैं उपास्य उपासनादि भेद जातम सर्वम विदथम। ये जो भेद अभी कुछ दिखाई पड़ता है ना ये कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं है मिलता ही केवल आत्मा अद्वैत परमार्थक क्योंकि अद्वैत आत्मा ही पारमार्थिक सत्य वस्तु इसलिए स्थितम अतीत प्रकरण जिसको हमने अतीत प्रकरण में सिद्ध करके दिखाया जाता है इसीलिए यहाँ पे उपासना सिद्ध जो व्यक्ति इस प्रकार उपासना को आश्रय करके मुक्त होना चाहता उपासना को आश्रय करके आप अंतचित्त को एकाग्र करना चाहते शुद्ध करना चाहते हैं उसमें हमारा कोई विरोध नहीं है परंतु उपासना का आश्रय करके मैं मुक्त हो जाऊँ ऐसा अगर सोचोगे तो नहीं होगा। ज्ञान के बिना हृदय ज्ञान न मुक्ति नान पंथ विद्यना इस पर शक्ति वक्त के आधार पर बोल रहे हैं। अच्छा अभी फिर टीका में आ जाइए इसलिए उपासना सिद्ध उपासना आत्मन मोक्ष साधना तेन गतो उपासको अहम् मम उपास स्वयं ब्रह्म तद उपासना त्यक्ता जाति ब्रह्म इदानीं वर्तमान अयम् ब्रह्म शरीर पादबुद्धं प्रतिपत्ति प्राग उत्पत्ति अयम् इदं सर्वम् अहम् च। अब देखिए टीका में आते हैं उक्त वक्षमान विरोधित्वा उक्त वक्षमान विरोधित्वा उपासकस्य तन्निन्दा प्रतिपत्ति उपयोगिनी इति अर्थः जो कह करके आया और जो आगे कहने जा रहा है इन दोनों में विरोध हो जाएगा यदि हम उपासना को मान्यता देंगे। मतलब उपासना तो भेद बुद्धि जो हमने कह कर क्या क्या कहे क्या क्या भेद पारमार्थिक सत्य नहीं है और भेद को आश्रय करके हम मुक्त होना चाहते हो इसे बोलते हैं उक्तो वक्षमान विरोधित का जो कहा वो आगे बोलने के विरोध होने के कारण उपासकस्य उपासक का तद निंदा प्रति को इसलिए यह उपासक को निंदा करना अद्वैत को युक्तिपूर्वक समझने के लिए उसको उपयोगी है। यह प्रश्न उठाया आपने प्रतिज्ञा किया कि युक्ति के द्वारा भी अद्वैत पारमार्थिक सत्य है ये समझ सकते हैं
उपासक की निंदा क्यों करने लग गया, क्योंकि उपासना की निंदा श्रुति की है, इसलिए उस अद्वैत पारमार्थिक सत्य है उसको समझने के लिए ये युक्ति उपयोगी है, ये युक्ति उपयोगी है। इसके बोलते हैं उक्त समान विरोधी उपासक निंदा प्रतिपयोगी, मतलब जो प्रतिज्ञा हमने किया ये अद्वैत को युक्ति से समझा जा सकता है उसके लिए ये उपयोगी है, इसी बात का इसका विपरीत है। तीन नंबर चार नंबर टिप्पणी, तीन नंबर सही द्वैतम ब्रह्म तात्विक परिणाम मन्यते इति। वो लोग क्या करते हैं ये द्वैत जो भेद प्रपंच लिखे करते हैं वो ब्रह्म का तात्विक परिणाम है, ब्रह्म का तात्विक परिणाम विवर्त परिमाण या परिणाम बात को मानते हैं, इसे बोलते ब्रह्म का तात्विक परिणाम मन्यते मानते हैं कि भगवती अद्वैत के वो जो है वो अद्वैत के साथ विरोध है, इस कारण से हमने यहाँ पे ऐसे कथन किया। तन्निंदा तन्निंदा मतलब अद्वैत सिद्धि वांछता क्रियमान अद्वैत सत्यत्ववादी निंदा पांडव जय आकांक्षा आकांक्षता पांडव जय आकांक्षता सलेन पिता कर्ण निंदा इव भवती ये वश अविष्कार उपजगणी भाव। विस्तार तो बड़ा सुंदर किया, पांडव की विजय चाहने वाला शल्य के तरह जैसा कर्ण की निंदा किया गया है, कर्ण वास्तविक निंदनीय नहीं है, अभी वहाँ वीर था, परंतु मन में क्या है पांडव जीतेगा ये दिखाने के लिए चाहे चंद कर्ण कितना भी वीर हो जाए अर्जुन के सामने कुछ नहीं है, ये जो शल्य किस प्रकार की कथन है वो पांडव की विजय चाहे कर्ण पर वीर थे। इसी प्रकार ये बात संपूर्ण अनुपयोग का ये हम नहीं कह रहे हैं, परंतु अद्वैत तत्व को समझने के लिए इस प्रकार निंदा को समझना जरूरी है। इसका क्या बोलते हैं अद्वैत सिद्धि वांछता अद्वैत को सिद्ध करने की इच्छा रखने वाले वेदांतियों के द्वारा क्रियमान अद्वैत सत्यत्व क्रियमान अद्वैत सत्यत्ववादी निंदा वांछता क्रियमान अद्वैत सत्यत्ववादी निंदा ये जो अद्वैत जो है पारमार्थिक सत्य अद्वैत सिद्धि वांछता क्रियमान यहाँ पर अद्वैत सत्यत्ववादी निंदा अद्वैत सत्य है ना इसको निंदा यहाँ तो अद्वैत हो जाकर द्वैत सत्य की होता है प्रियमान अद्वैत संधि वांछता क्रियमान अद्वैत सत्य तो किसी पुराने पुस्तक में किसी प्रकार कोई संशोधन है नहीं है। मतलब यहाँ पंक्ति से कह रहा है अद्वैत सिद्धि वांछता अद्वैत को सिद्ध करने की इच्छा रखने वालों के द्वारा क्रियमान किया गया है कि द्वैत सत्यत्ववादी निंदा द्वैत सत्य मानने द्वैत को सत्य मानने मानने वालों का निंदा करना ही क्या है पांडव जय पांडव की जय को आंशता चाहने वाले के द्वारा कौन है वो आंशता शल्यन शल्य के द्वारा प्रथम कर्ण निंदा जैसे कर्ण को निंदा किया गया था उसी प्रकार भवती वशा अविष्ट सिद्धतम अपने अविष्ट का अद्वैत पारमार्थिक सत्य इसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने उसको बोली भागवती स्कंद विविध विषय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।